गाइज़ वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो ऑफ शैडो फाइट 4। तो आज मैं खेलने वाला हूँ अपना जैक से, और हम लोगों के सामने आ चुका है भाई लिंक। इन दोनों का राइवलरी तो बहुत ज़्यादा मस्त है, और बहुत सारा प्लेयर इनका फाइट देखना चाहते हैं, और जिसका ज़्यादा आईक्यू रहेगा वो जीतेगा। भाई ये वाला बंदा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली खेला। कैंपर एक तरह का बोल सकते हैं, पर अपॉर्चुनिस्टिक बोल सकते हैं। जब अपॉर्चुनिटी मिला तब अटैक करो। बहुत इंटेलिजेंटली, मतलब इतना आईक्यू ये फाइट में लगाया है जैसे कोई चैम्पियनशिप खेल रहा हो। इसके साथ फाइट करने में भी बहुत मज़ा आया, तो आप गेम प्ले इंजॉय करो। और सेकेंड राउंड के बाद मेरे को इसका लगभग गेम प्ले समझ में आ गया था, फिर जो इसका बैंड बजाया है ज़रूर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फर्स्ट राउंड में तो बिल्कुल नहीं समझ में आया ये कैसे खेल रहा, और मेरा बैंड बज गया था लगभग, और फर्स्ट राउंड में हरा भी देता है ये मेरे को। पर देखो सेकेंड राउंड में क्या होता है, तो ये देखो फर्स्ट राउंड में इतना गंदा बैंड बजा रहा, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ये कब क्या मूव करेगा। मेरे पास कुछ काउंटर अटैक ही नहीं है, तो पहला राउंड सिर्फ हम यूज़ करते हैं। मेरे को समझ में आ चुका था हम जीतने वाले तो है नहीं, तो पहला राउंड हम सिर्फ यूज़ करते हैं कि इसको जानते हैं, इसका गेम प्ले स्टाइल एनालाइज करते हैं और देखते हैं। देखो कैंपर होते हैं तो वो सिर्फ पीछे हटते, पर ये पीछे नहीं हटा जब वो फायर किए, ये रोल करके आ गया और मेरे को गिरा के मारा, और इतना गंदा फर्स्ट राउंड हराया। भाई मेरे को लग नहीं रहा था कि हम गेम प्ले कर रहे हैं, इतना गंदा हराया। मेरे को लग रहा होगा आपको कि कितना ज़्यादा प्रो प्लेयर और कितना ज़्यादा न्यू प्लेयर खेल रहा, पर सेकेंड राउंड का स्टार्टिंग होने से तो फिर पता चलेगा हम किस कैसे इसका आईक्यू मैच करते हैं, कैसे इसका गेम प्ले प्रेडिक्ट करते हैं, और फिर देखना मेरा मूव्स। अब देखो मेरे को पता चल चुका था हम फायर करेंगे, रिवर्ट कर देगा, कोई फ़ायदा नहीं है मेरा गन का, एक चीज़ गया, ये आगे पीछे करेगा ये वाला मूव। देखो अगर हम कोई मूव करते तो मेरे को डैमेज पड़ता, और ये मेरे को ग्रैब करता और फिर नीचे वाला लोअर वाला से बहुत गंदा डैमेज करता। तो हम सोचे भाई तुम खड़ा है, खड़ा रहे, जैसे मेरे सामने आएगा हम हैवी करेंगे, जिसकी वजह से वो पीछे ढकलाएगा। पर ये वहीं पर नहीं रुकता है और फिर सोचता है कि किसी ना किसी तरह से मेरे को ग्रैब कर, और मेरे को इसका इंटेंशन पूरा तरीका से पता चल गया था। तो जैसे ये क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, या तो हम हैवी कर दे रहे थे या तो अटैक करते थे। अभी देखो ये मस्त हुआ, कैंसिल आउट कर दिया इसका क्या बोलते हैं अल्ट, शैडो मूवीज़ का कैंसिल आउट कर दिए। अब इसको आया गुस्सा, और यहाँ से मेरा शैडो मूव खुल चुका था, पर शैडो मूव अभी करने का बिल्कुल समय सही समय नहीं था, क्योंकि अगर हम शैडो मूव करते तो ये दूर चल जाता और मेरा बैंड बजा देता, और ये स्लोमो यूज़ मतलब टाइम कंट्रोल यूज़ करने का यूज़ किया। अब मेरे को पता था एकदम शैडो मूव एकदम सही जगह पे लगा, मेरे को पता था ये सामने आएगा मेरे को मारने के लिए, तब तक मेरा शैडो मूव एक्टिवेट हुआ, और कितना गंदा इसको पटके। सोच रहे हो कितना ज़्यादा सिमुलेशन चल रहा होगा दोनों के दिमाग में। ये फाइट हम लोग शैडो फाइट मोबाइल पे अपना उंगलियों से नहीं लड़ रहे, हम लोग अपना दिमाग में लड़ रहे हो, और यहाँ पर मैंने एक गलती कर दिया, पर उस गलती को भी अपॉर्चुनिटी में मैंने कन्वर्ट कर दिया। मेरे को हालांकि लगा बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, पर जैसे ही वो अपना शैडो मूव करने गया सही समय पे मैंने जंप किया और किक मार के पीछे डाइवर्ट कर दिया, और यहाँ पर टाइम आउट से देखो कितना मस्त हराते हैं। अब देखो बंदा कितना ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है, उसको पता ही नहीं है कि टाइम एकदम ख़त्म हो गया, और थोड़ा सा इसको ट्रोल करते हुए ये टाइम आउट से हरा देते हम लोग, और सेकेंड राउंड जीत जाते। अब हम लोग बिल्कुल इवन थे, अब लास्ट राउंड होने वाला था, अब जो इसमें जीतता वो इस मैच को जीतने वाला था। दोनों को समझ में आ चुका था, मेरे को तो एटलीस्ट समझ में आ चुका था कि इसका दिमाग में क्या चल रहा है, इसका गेम प्ले क्या है, ये कैसे खेलेगा। और इस बंदे का एक बहुत बड़ा गलती था, इसने अपने आप को एडजस्ट नहीं किया मेरे हिसाब से, पर मैंने सेकंड राउंड से ही एडजस्ट करना शुरू कर दिया था अपने आप को, और थर्ड राउंड आते आते तक तो इसका मूव्स का मेरे को पता चल गया था भाई वो बंदा क्या सोच रहा है और कब क्या करेगा। अब देखो यहाँ पर आगे आने का कोशिश करा, फिर हम उसको पीछे ढकले, फिर से ये ग्रैब करने का कोशिश किया, पर यहाँ पर उसका मूव लग गया क्योंकि वो पीछे वाला मूव कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या सीन होता है, इसको पीछे ढकेलने का फिर से कोशिश किया, फिर यहाँ ग्रैब करने का कोशिश किया, पर इनविजिबिलिटी का अच्छा यूज़ किए और इसको गए, ये फिर रोल बैक करने का कोशिश किया, और मेरा यहाँ पर फिर लेट हो गया मूव, मेरे को इनविजिबल होके माना चाहिए था, और यहाँ अच्छा डॉच किए क्योंकि हम रोल बैक पहले से करके रखे थे, तो स्लोमो होने के बाद भी मेरा रोल बैक सही समय पर आ गया। ये देखो फिर ग्रैब करने का कोशिश करेगा, यही हम पिछला दो मूव से करने का कोशिश कर रहे थे, ग्रैब करने का कोशिश करेगा या तो पीछे वाला मूव मारेगा, और हम पीछे पहले से इसलिए टान के रखे थे, जैसे ये सामने आया वैसे ही हम कर लिए। कोई रिक्स नहीं लेना चाहता है भाई इस वाले मैच में, ना वो ना हम। और यहाँ पर उसका अल्ट खुल चुका था पर वो करेगा नहीं, अभी मेरे को बिल्कुल पता था मेरा भी अल्ट खुल चुका था, पर ये सही समय है नहीं अल्ट करने का। देखो कैसे खेल रहा है, कैसे दिमाग से खेल रहा है, मेरे को पता है ये एक मूव आएगा ग्रैब करने या पीछे ऐसे मारने आएगा, मेरे को पता था, और हम खाने के लिए तैयार थे।
यहाँ पर अच्छा खासा डैमेज देता है मेरे को, पर यहाँ पर फेंकते हैं और हैवी चलाते हैं और ये फिर से आ गया ग्रैब करने। ये हम यही तो चाहते थे लोग उसको मारे, और यहाँ पर थोड़ा सा एचपी बचा था और मैंने रिक्स लिया और उसको आगे जाके किक मार के ख़त्म किया। भाई अगर रिक्स नहीं लेते तो अपना अल्ट वो यूज़ कर सकता था और दिक्कत हो सकता था मेरे को, पर ठीक है यहाँ पर हम लोग जीत ही रहा मैच भाई। खतरनाक दोनों बंदा ने अपना 100% दिया इस मैच में। सो शैडो फाइट अगर आप लोग खेलते हो गाइस तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे अपर लेवल के फाइट्स होते हैं। आप लोग सबको कैंपर नहीं बोल सकते, यहाँ पर अपॉर्चुनिस्टिक बनना पड़ेगा, कौन ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ कर सकता है, कैसे दूसरा का फ्लॉज का यूज़ कर सकता है। अब ये बंदा आया सामने, ये देखो बुचर लेके, और भाई कतई जहर स्पैमर था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था स्पैम कर करके। और ये लोग पटके और भाई फेंकाया दूर। अब देखो खाली रोल बैक करेगा और मेरे को पता था ये हुक से डालने का कोशिश करेगा, और इसको भी पता था कि हम गन चलाएंगे। अच्छा डॉज किया ये, पर मेरा इनविंसिबिलिटी की वजह से हम बचे यहाँ पर। फिर से मेरा इनविंसिबिलिटी मेरे को बचाया और इसको अच्छा उठा के पटके। ये बंदा होता दिमाग से नहीं खेल रहा था, पर जो खेला भाई इससे पहले वाला मैच मज़ा आ गया भाई, टू वर्सेस जैक। आई होप आपको वाला मैच पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा वाला मैच तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और वैसे मैचेस देखने के लिए डिटेल एनालिसिस और कौन कब दिमाग में क्या सोच रहा है वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये मैच तो ईजी भी था उस मैच के मुकाबले, क्योंकि ये बंदा सीधा सीधा सोच रहा था, इसको हराने के लिए उतना मेरे को दिमाग नहीं लगाना पड़ा भाई। पर वो बंदा कुछ अलग था, उससे कैंपर वाइज भी नहीं आ रहा था, एग्रेशन नहीं था, कंट्रोल था पूरा बॉडी में, पर हम लोग भी काउंटर अटैक करके जीते। यहाँ पर इसका अल्ट आ चुका था, फिलहाल इस मैच के बारे में बात करते हैं। अल्ट आ चुका था और इतना करीब था, तो इतना करीब से कोई उम्मीद नहीं करता कि जैक थ्रोएबल यूज़ करेगा, क्योंकि डिसएडवांटेज पर रहता है ना। यहाँ पर मैंने अपना थ्रोएबल मतलब अल्ट गलत समय पर यूज़ किया, पर ठीक है यहाँ पर अब इसका देखना। ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ, मेरे को शील्ड एक्टिवेट करना चाहिए था, और ये मेरा सही मूव था रोल बैक करके आगे जाने का, जो मैं अभी अभी सीख के आए थे अपने अपोनेंट से, पर मैंने गलती कर दिया। मेरे को उसको ग्रैब करके पटकना चाहिए था, पर वो किया नहीं मैंने। यहाँ पर मेरा इनविंसिबिलिटी का फ़ायदा होते हुए, ये भी इनविंसिबल है, पर यहाँ पर शील्ड जो रहता है ना जाक के पास वो बहुत ज़्यादा तगड़ा रहता है। ये देखो इसका ये अनब्रेकेबल रहता है, तब पर भी हम लोग इसको इतना ज़्यादा डैमेज दे पाए, क्यों? क्योंकि जैक के पास शील्ड है और ज़्यादा देर तक ये इनविजिबल रहता है, इसका केज में रह के भाई डोमिनेट कर दिए इसी को। तो आई होप गाइस आपको ये मैच पसंद आया होगा, हाई आईक्यू वाला मैचेस, और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट शेयर करो, और मिलते गए आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।